पिक्चर बहुत ज़बरदस्त बना है और इसमें जो तपस्वी तन्नू जो है उसका मैं धन्यवाद बोलूँ कि क्या बोलूँ, उसका नसीब इतना तेज है कि उसने एक सिर्फ दो नाम का पिक्चर में काम किया था, सिर्फ एक वर्ड पे वो पिक्चर हिट हुई थी, जो अपने अपने जो अमिताभ बच्चन साहब के साथ में पिंक जो है पिक्चर आई थी। पिक्चर इतना कुछ ये नहीं था, लेकिन उसमें एक ही जो है लास्ट का सीन पे जो अमिताभ ने एक वर्ड बोला था उसके ऊपर ही वो पिक्चर हिट हुई थी, उसकी नसीब है। और दो तीन लगातार उसकी पिक्चर हुई, लेकिन हाँ गज्जी टैंक में भी उसने थोड़ा काम किया था, लेकिन आज जो है उसको एक अलग किरदार में मिला, उसको हम लोग को देखने को मिला। सोच नहीं सकते थे कि इसको यह इतना अच्छा काम मिलेगा। यही मुझे समझ में नहीं आता है कि नए नए डायरेक्टर लोग जब कोई भी हीरो नहीं आती उसको लगातार कैसे पिक्चर मिलता है। इसकी नसीब वही तेज है कि लगातार उसकी चार पांच पिक्चर हो गई। देखिए पिक्चर जो है इसमें जैसे अंदर जो अंडरग्राउंड जो अपने यहाँ पे जो जैसे मिलिट्री वाले जैसे एलिटीजन जो रहते हैं अंदर अंडरग्राउंड में काम करते हैं, जो मतलब पता नहीं लगता लेकिन अपने आगे पीछे रहते हैं वो अंदर, तभी तभी जाके मालूम पड़ता है कि कोई बम रखा ये रखा। तो ये जो है इसके अंदर यही बताया गया कि मतलब यहाँ से मतलब हिंदुस्तान से हर एक जगह से गलत गलत काम करके कहीं कहीं जाके चेहरा छुपा करके जो छुप जाते हैं उसके बारे में बताया है। वो बहुत जन को मार देता है, उसके बारे में इसको ट्रेन करते हैं तपस्वी को और उसको भेजते हैं और वो उसमें कामयाब होती है। देखिए पिक्चर अच्छी बनाई है, 5 में से 5 देंगे, पिक्चर हिट है और आगे भी हिट होगा। मैं यही चाहूँगा कि हर एक अपने इंडियन जो है दर्शक लोग को ये पिक्चर देखना चाहिए। हिंदुस्तान के ऊपर पिक्चर बनाया है, अंदर कैसे अंडरग्राउंड में काम कैसे होता है, इतने मेहनत करते हैं लेकिन उनको आज तक कोई पहचानता नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग देखे और थोड़ा समझे और पिक्चर अच्छी बनाएगी।